अस्सलाम वालेकुम, सेकंड ईयर क्लास। आप लोगों की तर्जमतुल कुरान की बुक आ चुकी है और तर्जमतुल कुरान का जो सिलेबस शामिल है वो आपको डिटेल के साथ बता रहा हूँ, कौन कौन सी सूरतें हैं और फिर वो कौन सी सूरतें हैं सिलेबस में जिनमें से आपने तर्जमा करना है, कौन कौन सी सूरत जो है आयात के साथ शामिल है। पहले आप तमाम सूरतें जो हैं वो आप नोट कर लें, सूरह निसा, सूरत माईदा, सूरत नूर, सूरत एहजाब, सूरह मोहम्मद, सूरह फतह, सूरह हुजरात, सूरह हदीद, सूरह मुजादिला, सूरह हशर, सूरह मुमतहना, सूरह सफ, सूरह जुमा, सूरह मुनाफिकून, सूरह तगाबून, सूरह तलाक और सूरह तहरीम। ये सूरतें आपके सिलेबस में शामिल हैं और वो सूरतें जिनका आपने तर्जुमा करना है, जो अहमियत रखती हैं आपके एग्ज़ाम के हवाले से, जिसमें से आपका पेपर बनाया जाएगा, वो ये सूरतें हैं। उनकी मैं आयात भी आपको बता रहा हूँ, ये आप नोट कर लें। सूरह निसा आयत नंबर 1-2, आयत नंबर 9-10, आयत नंबर 29-32 तक, आयत नंबर 58-59 तक, ये सूरह निसा की आयात हैं। फिर सूरह माईदा, इसमें आयत नंबर 8-10 तक, आयत नंबर 38-40 तक, आयत नंबर 48-49, फिर आयत नंबर 83-86 तक। इसके बाद सूरह नूर है, सूरह नूर की आयत नंबर 8-10 तक है, 28-31 तक है और 55-56 तक है। इसके बाद सूरह अहज़ाब है, इसकी आयत नंबर 35-36, आयत नंबर 40-48 तक, आयत नंबर 56-59 तक, आयत नंबर 70-71 तक। फिर सूरह फतह, इसकी आयत नंबर 18 है, आयत नंबर 29 है। फिर सूरह हुजरात है, इसकी आयत नंबर 1-5 तक है, फिर 10-13 तक है। फिर सूरह हशर है, इसकी आयत नंबर 18-24 तक है। ये आपकी सूरतें हैं जिनमें आयात का तर्जमा आपने करना है। ये सूरतें 5 बनती हैं तकरीबन, 6, सूरह निसा, सूरह माईदा, सूरह नूर, सूरह अहज़ाब, सूरह फतह, सूरह हुजरात और सूरह हशर। ये आपने ज़्यादा अच्छे तरीके से डिटेल के साथ ये सूरतें तैयार करनी है, इसमें से आपका एनुअल पेपर बनाया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।